लाठी गोली खाएगा, पर वोट जरूर डाल करके आएगा। 19 में आपके साथ 2-3 तबकों की वोट थी। 19 में कुछ बूथ बिना एजेंट के रह गए थे, चूंकि 19 में बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे। सपा का ही था भाई वो, सपा ने काट दिया, 90 लाख रुपए मिलेगा कहिए था, तुरंत निकाल दिया था, टिकट काट दिया था। बस और क्या, तनख्वाह तो हम दे नहीं थे, बस तनख्वाह भी कर देते। कदीम ब्याज पौड़ों को बीडीसी भी नहीं बढ़ाई थी। चुनाव के बारे में, पार्टी के बारे में तो सबने बता दिया। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि तो सभी जाने हैं भारतीय जनता पार्टी को। मेरी आपसे प्रार्थना, चुनाव कैसे लड़ोगे इसे तय करो। भोरे वाले जो मास्टर जी बोल रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था, भाई लड़ना कैसे इस पर बात की जाए। भाई अब गांव गांव का प्रोग्राम रहेगा। अभी जिला अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, पार्टी के 10 नेता प्रोग्राम बनावेंगे, हर ब्लॉक में एक एक नेता एक एक गांव में जाएगा। बड़ा चुनाव है, अकेला कोई से लड़ नहीं सकता। और ये भी सही है कि अगर अब की बार चूक गए तो हो सकता है कि यह आखिरी चुनाव हो, अगला चुनाव ना भी, और सतेज भी आपको रहना पड़ेगा। आपको लड़ावेंगे भी, भाई को भाई से लड़ाया जाता है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। धमकियां भी मिलनी शुरू हुई। कल एक प्रधान बाढ़ गांव का, जो हरिजन तबके से आता है, उसका आज फोन आया। उसे फोन, वो कल बैठ कर वहाँ भाषण दे करके गया था बघरा में, उसे फोन पर धमकी दी गई कि पहले तुझे माफ कर दिया था, अब की बार माफ नहीं करेंगे, चुनाव हो ले तो उसके बाद देखेंगे। मैंने उसे आश्वस्त किया, भाई चुनाव के बाद ये क्या देखेंगे, चुनाव के बाद तो हम देखेंगे, फिर इनका फोन कौन सुनेगा। हारने के बाद तो आदमी मोरली इतना टूट जा, इतना टूट जा मोरली कि फिर वो अधिकारियों को फोन भी नहीं करता, और किसी दूसरे के नाम से नंबर से फोन था उसको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, गलत प्रयास ना करें। हमारे समर्थकों, अगर दोबारा फोन करके तेरे नंबर से धमकी चली गई तो अब की बार आर पार की होगी, जेल भिजवा के मानूंगा, इससे कम तो मान लूंगा। फैसला आपको करना है, या तो ये 30-35 दिन है इनमें डर लो, या 5 साल डर लो। अगर आप अब खुल करके सामने आ गए तो निश्चित रूप से आगे मैं भी आपसे डरूंगा। मुझे आपने जिताया तो मैं भी आपसे डर के काम करूंगा। जो कोई इनके सिर पर गुरस्ता करे उसका इलाज करते हैं, गलत कह रहा क्या मैं? अगर आप अब की बात डर गए तो आगे आने वाला कोई भी नेता आपसे डरने का नहीं, सब यही सोच जाएंगे। जो आज के आपके मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि मुसलमान को डरा करके वोट लिया जाता है, जाट को डरा करके वोट लिया जाता है, खिलाफ वाले को डरा करके सुधा किया जाता है, वो काम उसे पक्का समझ लेंगे। देखो भ्रष्टाचार चरम सीट पर, साहपुर के लोग बैठे, इन्होंने तो रोज देखा, एक वहाँ कॉलोनी में एक बाघ सा कटे था, जब लो दो नहीं गए, जब लो मानने नहीं, क्यों नितिन जी गए नहीं गए, तब तक उनके परमिट भी फाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, फिर वो वाशिंग मशीन में चले गए, उनके एक पार्टनर भाजपा वाशिंग मशीन में, उसकी मान्यता भी होगी और प्लॉटिंग भी और खंबे भी लग गए, बिजली भी लग गई, प्लॉटिंग शुरू होगी। अब वो इनकम टैक्स के नोटिस आओगे, 90,000 रुपये की बिक्री, उसे कौन भुगतेगा? मैं ये कह रहा हूँ, हम तो यो काम करते हैं, हम लोग तो ये मानते हैं, हमने तो ये सीखा कि जो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तो भाई डरो तो कोई किसी से होना। अरे एक बात बताऊँ,
इतने मामले जब हम जीत जहाज के जो एक चिट्ठी लिखता रहा है तब मैं पुसाबंद करते फिर मैं जैसे थे ऐसे ही रह लो बस बात करते हैं। अब एक तो ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी के साथ बैठ जाओ, देखो भाई एक बात, आप साथ हैं तो हमारे से मजबूत कोई नहीं और आप साथ नहीं तो हमारे से कमजोर कोई नहीं, ताकत आपकी है, हमारा तो नाम है भाई, इसमें मदद करो, इस चुनाव को मिलकर के लड़ो, समय बहुत है अभी, परंतु अगर चूक गए एक दिन भी लेट हो गए चुनाव में और सावनी में तो बताओ पगड़ी बांधने में देर हो जा, आप सोच लो कल को बउआ सावनी बरस जा सावन फिर क्या करोगे, और आप पगड़ी बांधते रहो शीशा देखते रहो वोट दूसरा ठा ले जा तुम क्या करोगे। तो भाई इस चुनाव में लगो, जोर शोर से लगो, एक बात बार बार आती है कि जाट क्या करेंगे, यार बंगाली तो मैं भी नहीं, अब मैं बंगाल से आया या बागड़ से आया, मैं भी यही रहूं। और देखिए बड़ी सीधी सी बात है, पंकज ने भी डिटेल में आपको बताया, चरण सिंह वादी आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता, वो चौधरी चरण सिंह के उस वाक्य को याद रखता है, कभी भूलता नहीं कि अगर ये दिए वाले गांवों में घुस के या तो इन्हें काट दियो नहीं तो ये तम काट देंगे, कहा था नहीं कहा था चोर साहब ने, और वही तरीका है भाई। अब आपसे मेरी प्रार्थना, अब चुनाव में लगो, आप सब हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो वो धन बल और जन बल की लड़ाई है, धन बल भाजपा के पास है, जन बल गठबंधन के पास है, आपके बल के सामने कोई कुछ कर नहीं सकता, ये 19 का चुनाव नहीं है, 19 के चुनाव में फर्जी वोटिंग हुआ था अब की बार नहीं होगा, ये बार बार कह रहे हैं कि हम पुलिस से लाठी भिजवा देंगे वोट रोक देंगे, कितनी जगह रोकोगे, हमारा साथी कट कट कर लाठी का मुकाबला करेगा, लाठी गोली खाएगा पर वोट जरूर डाल कर आएगा, कितनी लाठी चलवाओगे, अगर एक भी आदमी मर गया तो 120 भी जेल तुम भी जाओगे जो लाठी चलवाने की बात करते हो, एक बार तो मरना जरूर है, अगर हमारा सम्मान असमत लूट करके कोई ऐसा करता हो तो फिर क्या फायदा जीने का, फिर तो गुलाम बना के रखना चाहते हैं ये लोग। और रही गिनती पे, अब तक तो हमारे एजेंट इतने मजबूत जावा गिना से पढ़े लिखे तो कम हो पर भाई गिनती पे मानना नहीं करने देते। और मैं बार बार कहता हूं अगर शरीर में प्राण रहे तो बेईमानी नहीं होने देंगे, और अगर बेईमानी किया तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम जिंदे बाहर नहीं आने के, ये भी आप बताएंगे, सम्मान देकर जीना, कोई जीना नहीं होता। हम जब राजनीति में आए थे तो बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही थी, चौदह ना को आई हो और भाई अपन तो शुक्र है अपन तो बच रहे उससे, और आखिर तक कोशिश ही आई करेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना, सब तो हरिंदर समझो अपने आप को, सब अपने आप को पंकज समझो, जिया समझो, राकेश समझो, सुखपाल समझो, तब जाकर के सब बन करके लगोगे तब काम चलेगा। और भाई इसकी बढ़ा लो सर्किल, एक दफ्तर देखो बुढ़ाने में कहाँ 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 दफ्तर खोलने उनका देख लो, अब से ही आदमी बैठाओगे, अब से ही काम वही का वही शुरू करेंगे, और पूरा युद्ध स्तर पर लोगों की कुशावन मिन्नत करना शुरू करो, वे धमका रहे आप किसी को धमकाना मत, हम लोग मिन्नत करेंगे खुशामंद करेंगे लोगों का वोट मांगेंगे। और ये भूल जाते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ये अधिकारियों के कंधे पर चलता है, और मैं जानता हूं
अधिकारी सीमा से बाहर जाकर के कोई हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि तू किसी के रहमो करम पर अधिकारी नहीं बना, अपनी योग्यता के आधार पर रहम अधिकारी बना है। और भाई हमारा व्यवहार तो भाईचारे का, इनका व्यवहार तो गाड़ी का, लड़ुए के मामले में 20 दिन पीएसी खड़ी रही थी, ये जेसीबी चार चार पर अधिकारियों को गाड़ी देती थी, इन्हें नाड़ा खुद जाए अधिकारियों ने रोज कुछ ना कुछ तरकीब बता देते, आखिर वो उल्टी चली गई थी। तो धमकाया गया तो काम कोई करता नहीं पश्चिम का आदमी। में हमारा तो मानना यह है कि पश्चिम में कुसामन मिन्नत से करता है, मेरी आपसे प्रार्थना है सबको मनाओ सब बनेंगे, और 19 की तुलना ना करो तो चार करो तो भी अच्छा है। 19 में आपके साथ 2-3 तबकों की वोट थी, अब की आपकी बार 36 तबकों की वोट थी। 19 में कुछ बूथ बिना एजेंट के रह गए थे, चूंकि 19 में बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, अब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथियों ने कुछ लोगों के धोखे में आ गए थे, अलग लोकदल के लोग मजबूत लोग हैं, कुछ लोगों के धोखे में वे आ गए थे, जहाँ मुजफ्फरनगर शहर में एक सज्जन ने ले लिए थे बस्ते, सपा का ही था भाई वो, सहा सपा ने काट दिया, 90 लाख रुपए भी ले जाके ये था, हाँ मैं बता रहा जी, वो सपा ने तो काट दिया, टिकट नहीं दिया, जब ये पता था कि इसने गद्दारी की थी पिछले चुनाव में, अजीत सिंह जी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे परंतु कैंडिडेट तो गठबंधन के थे, तो गद्दार की जगह सपा में तो है नहीं, तुरंत निकाल दिया था, टिकट काट दिया था, बस और क्या, तनख्वाह तो हम दे नहीं थे, बस तनख्वाह बंद कर देते। और भाई अभी भी मैं कह रहा हूं, अब की बार एक एक आदमी बूथ पर आपको लड़ता हुआ दिखाई देगा, शहर का बूथ हो कहीं कहीं का बूथ हो, और भाई वो क्या कहे कि बीडीसी बढ़ा दूंगा, राजपाल सिंह के बारे में कहा था उसने, साथ भला आदमी है, तीसरी बार एमएलए है, उसे उसका सम्मान करना चाहिए, उम्र में बड़ा है, और कोई आरोप भी नहीं लगता उसके ऊपर। उस सज्जन आदमी को ऐसा कहा, भगवान के सुरता गिनता होगा तो वो बीडीसी से छोटा बढ़ जा, मेरा वायदा तो मैं जिताया तो ना कभी मैं ब्याज पौड़ों को बीडीसी भी नहीं बढ़ाऊंगी, वो कहा एमएलए को बीडीसी बढ़ावा है, इन्हें भाजपा को हम बताऊं कुकर विभाग रहे काम, अरे प्यार से जीतता जा आदमी को, प्यार करो। और भाई यहां से जाने से पहले तू बताओ कौन से अपने पड़े का मुख, कौन कौन जिम्मेदारी लेगा, मेरी प्रार्थना अब से चुनाव में लगो और किसी कीमत पर भी चुनाव में ढिलाई नहीं आने दी जाती, ढिलाई आनी नहीं चाहिए, बैठ करके बात करेंगे अभी 10-20 मिनट, और भाई अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी बताओ, किस किस गांव में कौन लेगा, और भाई शुरू करो उस मामले को, तो जिम्मेदारी बताओ, और जब जाके बात चलेंगे, मैं यहीं बैठा, तो भाई मेरी यही प्रार्थना आपसे। अरे एक बात बताओ, बेमानना बेमानना तो हरे की साथ भी आगे रहता, हरे हो क्या, कुछ नहीं होने का यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, बैठे रहिए यहीं, ये बैठे रहेंगे तो लगा बाग के थरा मालिक।